दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा बना हुआ है और जिस तरीके से अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते धूल भरी आंधी हिंदुस्तान पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में उसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ सिचुएशन है दिल्ली एनसीआर की, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सफर वेबसाइट है और इसके जरिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली के कौन से इलाके में कितना प्रदूषण फिलहाल बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो फिलहाल पीएम 10 जो है वो 842 बना हुआ है और पीएम 2.5 जो है 309 बना हुआ है। आपको बता दूं कि पीएम 10 जो होता है उसकी मैक्सिमम जो नॉर्मल होता है वो 100 तक होता है, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एरिया में 842 बना हुआ है, यानी कि 8.5 गुना ज़्यादा। साथ ही पीएम 2.5 की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल 60 होता है लेकिन 309 बना हुआ है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में प्रदूषण बना हुआ है। साथ ही पूसा की अगर हम बात करें तो पीएम 2.5 जो है वो 325 है और पीएम 10 जो है वो 502 है। साथ ही नोएडा की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि पीएम 10 जो है 698, यानी कि 7 गुना ज़्यादा, और पीएम 2.5 350। तो साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल जो है सभी इलाकों में जो स्थिति है वो सीवियर कैटेगरी में बनी हुई है और इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर अब कोर्ट ने भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है कि आप इस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं, जिसका जवाब अब दिल्ली सरकार को देना है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इसको लेकर LG ने अपने ऑफिस में मीटिंग रखी जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री एनवायरमेंट मिनिस्टर जो इमरान हुसैन है वो पहुँचे थे, साथ ही दिल्ली के तमाम जितने अधिकारी हैं वो पहुंचे थे और ये फैसला लिया गया कि संडे तक दिल्ली में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। साथ ही कोई भी जो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है वो बिना जो है ढके नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से कई जो फैसले हैं इस मीटिंग में लिए गए हैं, लेकिन मौसम विभाग का यही साफ तौर से कहना है कि जब तक तेज बारिश नहीं होगी तब तक दिल्ली NCR का जो प्रदूषण है वो नहीं छटेगा, इसी तरीके से बना रहेगा अगर तेज बारिश नहीं होती है तो। कैमरामैन अजीत के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़।